आज जो आपने पूना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसका क्या कारण है? हाँ, अभी हमारा पूना सिटी के अंदर पत्रकार परिषद, पत्रकार भवन है, वहाँ पर हमारी पत्रकार परिषद संपन्न हुई। हिंदी बिल्ड के लोगों को ये मराठी भाषा में होने के कारण इसकी जानकारी नहीं हो सकती, इसलिए हम आपको हिंदी भाषा के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के चैनल के थ्रू जानकारी देना चाहते हैं। आज के पत्रकार परिषद का मुख्य एजेंडा 24 अप्रैल को बहुजन क्रांति मोर्चा की शुरुआत महाराष्ट्र से शुरू हुई है परिवर्तन यात्रा की। इससे डर कर जो भाजपा की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, आरएसएस, मोहन भागवत, ये पूरी तरह से डर गए, क्योंकि बहुजन क्रांति मोर्चा का प्रथम एजेंडा है कि भीमा कोरेगांव का जो फसाद हुआ उसके अंदर मिलिंद रमाकांत एक गोटे और मनोहर भिड़े ये डायरेक्ट सहभागी है और सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये प्रमुख एजेंडे में ये एजेंडा होने के कारण सरकार को डर लगा कि ये मुद्दा वो दबाना चाहते हैं मगर दब नहीं रहा है। तो उन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट बनाकर 24 अप्रैल के दिन ही, यानी एक तरफ बहुजन क्रांति मोर्चा की शुरुआत हो रही है और उसी दिन सरकार प्रायोजित इल्लीगल जो समिति है, प्रदीप रावत जो एक्स एमपी है भाजपा के, उनके अध्यक्षता में मीडिया के जरिए से उसको कहा गया, प्रकाशित किया गया, कोई प्रकाशित नहीं किया गया। प्रकाशित करने का ये जरिया नहीं हो सकता, प्रकाशित करने का उनको अलग से प्रोग्राम लेना चाहिए, इसके लिए अलग से कोई डिबेट या कार्यक्रम करवाना चाहिए। जो सत्य शोधन समिति का अहवाल के नाम से उन्होंने जो बातें हमारे संगठन के बारे में, बामसे भारत मुक्ति मोर्चा के बारे में हो या खुद मेरे बारे में हो, तो उन सभी बातों का आज हमने खंडन किया है। उसमें प्रमुख, आज की परिषद में प्रमुख बात यह रही कि जो फर्जी रिपोर्ट के प्रमुख है रावत, प्रदीप रावत, इन्हें लीगली नोटिस हमने भेज दिया है और उनकी सभी बातों का हमने खंडन किया। जैसे कि उन्होंने एक बात उस रिपोर्ट में की है पेज नंबर 22 पर कि 31 तारीख को एल्गार परिषद शनिवारवाड़ा में हुई। अब ये जो परिषद के जो आयोजक हैं इनके ऊपर कुछ नक्सलाइट मूवमेंट के अंदर होने के आरोप है। अब उनका, उन्होंने 1 जनवरी के साथ को रिलेशन किया, वो अलग मामला है और 1 जनवरी का अलग मामला, और उसमें उन्होंने एक फर्जी विधान किया है, मतलब एक प्लान वे में विधान किया कि 31 दिसंबर को प्रोफेसर विलास खरात जो थे वहाँ उपस्थित थे। तो मेरा यह दावा है कि मैं वहाँ तो गेस्ट के रूप में उपस्थित नहीं था, वक्ता के रूप में उपस्थित नहीं था, विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित नहीं था, न ही सुनने के लिए उपस्थित था। तो उन्होंने को रिलेट करके मुझे, मेरे ऊपर, मेरे सार्वजनिक जीवन पर कीचड़ उछालने का काम किया है। तो मैंने उनके लिए लीगली नोटिस भेज दिया है, मैं वहाँ उपस्थित था ही नहीं। और एल्गार परिषद का मानसे भारत मुक्ति मोर्चा का दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। 1 जनवरी को जो हमारी सभा हुई बहुत बड़ी ऐतिहासिक 200 साल की याद में, और देश भर से लोग आए थे, उन लोगों ने, भिड़े बोटे ने प्लान वे में भीमा कोरेगांव के जगह पर पहले से ही प्लान वे में फसाद किए गए हैं। उन्होंने दूसरा रेफरेंस इस रिपोर्ट में ये दिया है कि प्रोफेसर विलास खरात द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है 1 जनवरी 1818 स्वतंत्रता बंड, यह जाति भावना से प्रेरित होकर लिखी है, ब्राह्मण द्वेष से लिखी गई है। मुझे ये रिपोर्ट का नाम सत्य शोधन रखने की बजाय ये पेशवा समर्थक भिड़े बोटे बचाओ समिति ऐसा उसका नाम होना चाहिए। अब पेशवा ब्राह्मण थे और देवेंद्र फडणवीस भी ब्राह्मण है, भिड़े भी ब्राह्मण है, एक बोटे भी ब्राह्मण है, भागवत भी ब्राह्मण है, कि ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दूसरी बात, उस किताब में उन्होंने आक्षेप लिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को मारने में पेशवा ब्राह्मणों का हाथ था। ये तो हिस्टोरिकल सच है। अगर ब्राह्मणों को, इन लोगों को, आरएसएस के ब्राह्मणों को इन बातों से बुरा लग रहा है तो वो कोई अलग से किताब लिखवा कर उसको काउंटर कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं प्रदीप रावत को बुलाए, मोहन भागवत को बुलाए, फडणवीस को बुलाए और हम लोगों को बुलाए, उनके किसी भी चैनल पर हम डिबेट डिस्कशन के लिए रेडी हैं। मगर ये व्यवहार उन लोगों ने, गलत आरोप हमारे ऊपर किया, चोर ही उल्टा डांटने का काम कर रहा है और उनको जज बनने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, उसमें 2 एजेंडे हमने खास करके उपस्थित किए। नंबर 1 कि भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818 को युद्ध हुआ, उसमें 500 बहुजन लोग थे और उन्होंने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को हराया, एक ऐतिहासिक आश्चर्य है। और उसकी प्रेरणा बाबा साहब अम्बेडकर भी लेते थे और हम भी आज उसकी प्रेरणा लेकर
200 साल की याद में हम वहाँ इकट्ठा हुए, तो उनका आक्षेप है कि उस जगह पर उन लोगों ने, सरकार के लोगों ने 1965 और 1971 में जो युद्ध हुए थे जिसमें कुछ जवान शहीद हुए थे, उन जवानों की एक स्लेट बनाकर, एक शिलापट बनाकर वो विजय स्तंभ को तोड़ मरोड़ कर, उसके अंदर ग्रिल डालकर उसको, उस पत्थर को काट कर एक नई प्लेट अंदर घुसा देना, ये सही मायने में इतिहास का विकृतिकरण है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के बराबर है और आर्कोलॉजिकल लॉ के हिसाब से बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। ये बात उस किताब में मैंने लिखी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि समिति के लोग उस पर आक्षेप क्यों ले रहे। इसका इंटेंशन यही है कि वो भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है उसके प्रति और उस इतिहास के प्रति उनके मन में दुर्भावना है। हमारा कहना है कि वो हटाना चाहिए। दूसरा, 267 एकड़ जगह थी, केवल आज 10 एकड़ जगह बची हुई है। उस स्मारक की 267 एकड़ जगह को सरकार के सहारे ही गायब किया गया है। इसलिए मेरा ऑब्जेक्शन था, उन्होंने इस किताब पर यह ऑब्जेक्शन किया है। साथियों, इस किताब में ये भी बात सिद्ध हुई है कि पेशवा ब्राह्मणों का चरित्र जो था हिंसा का था, और भाजपा के जो ब्राह्मण हैं, आरएसएस के जो ब्राह्मण हैं, इनका चरित्र भी हिंसा का है, और पूरे देश भर में बम ब्लास्ट आरएसएस के ब्राह्मणों ने किए हैं। असीमानंद ने खुद कबूल किया कि जगह उसने बम ब्लास्ट किए। फरीदाबाद 2008 में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने गुप्त मीटिंग में कहा कि वी विल फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन इज नॉट आवर्स। यानी ब्राह्मण पब्लिकली कह रहा है कि हिंदू खतरे में, हिंदू धर्म बचाना चाहिए, और निजी मीटिंग में कह रहा है कि दिस नेशन इज नॉट आवर्स। इसका मतलब है ब्राह्मण गुप्त रूप से मीटिंग में कह रहा है, क्योंकि आतंकवादी तो सारे ब्राह्मण थे, उसमें कोई एससी नहीं था, एसटी नहीं था, ओबीसी नहीं था, नॉमेडिक ट्राइब नहीं था, माइनॉरिटी नहीं था। ब्राह्मण गुप्त मीटिंग में कह रहा है ये देश हमारा नहीं है, इसलिए देश के खिलाफ और देश के संविधान के खिलाफ कार्य करना होगा। तो जो लोग संविधान को ही नहीं मानते, उन ब्राह्मणों का तथाकथित समिति ने समर्थन किया। इसलिए मैंने उस पत्रकार परिषद में भी कहा ये टोटली फर्जी समिति है, इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। रावत मान लो जैसे कोई उसमें जो बातें की गई है, साल की गलतियां हैं, महीने की गलतियां हैं, और तोड़ मरोड़ कर वो रिपोर्ट बनाया गया है। कभी कभी ऐसा लगता है एक तो वो मेंटल हो गया है, रावत को मेंटल अस्पताल में एडमिट करना चाहिए, या उसको मोटिवेट करने वाले जो सरकार के लोग हैं उनको अस्पताल में एडमिट करना चाहिए, जैसे कोई शराब पीकर वो रिपोर्ट बना रहे थे। हमारा लास्टली कंक्लूड यही है कि इसके मास्टरमाइंड अब तक बताए जा रहे थे देवेंद्र, इसके मनोहर भिड़े और मिलिंद रमाकांत एक गोटे, मगर और एक मास्टरमाइंड सामने आया जिसका नाम है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ये भी इसके असली मास्टरमाइंड है, क्योंकि इन्होंने असेंबली के अंदर ये बयान दिया कि मिलिंद एकबोटे और रमा और मनोहर भिड़े ये उस जगह पर गए ही नहीं। और उसके बाद ये आदमी कह रहा है कि फिर भी हम जांच करने वाले हैं, यानी जांच करने का नाटक किया जा रहा है और जो मुख्य आरोपी उन्हें बचाया जा रहा है। इसलिए हमारा विरोध है कि ये फडणवीस आरएसएस बीजेपी ने वो फसाद करवाए थे। बताइए, अगर इसमें कोई एक्शन नहीं होता है तो आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? हमारी अगली कार्रवाई ये कि बहुजन क्रांति मोर्चा इसी एजेंडे पर शुरू हुआ, उसमें कई एजेंडे हैं, उसमें प्राथमिकता का एजेंडा है भिड़े एकबोटे को फांसी होनी चाहिए, वो दोषी है, मगर सरकार अगर उन्हें बचा रही है तो उसके खिलाफ जन आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, और 3 जून को बहुजन क्रांति मोर्चा का पुणे के अंदर लाखों की तादाद में बहुत बड़ी महारैली भी होने वाली है। जी, मैं एडवोकेट वासंती नलावड़े, जी मैं इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन की बॉम्बे बेंच की प्रतिनिधि हूँ और बहुजन क्रांति मोर्चा की राज्य सह संयोजक हूँ। तो अभी 24 अप्रैल को जो प्रदीप रावत जी के माध्यम से एक समिति का अहवाल सार्वजनिक किया गया, उसके बारे में हमें कुछ कहना था और वो उसको अपोज करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मतलब ये, उसका एक कारण ये भी है कि मीडिया के थ्रू आम आदमी तक हमारा मैसेज जाए कि ये भारत की जनता को मीडिया और सारे माध्यमों से कुछ गलत फहमी में रखा जा रहा है। हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य रहे हैं, भारत मुक्ति मोर्चा ने भी अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग समिति गठित की है, और हमने वहाँ खुद अपने पर्सनल कैपेसिटी और ये समिति के एक माध्यम से जाके इंटरव्यू किए थे लोगों के। जैसे ये फसाद हुआ उसके बाद हम लोग 6 तारीख से फील्ड में थे, 6 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक हम लोगों के इंटरव्यू की है, तो जगह पे जाके पंचनामा किया है, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ निष्कर्ष निकालने का
एक माध्यम समिति के माध्यम से अहवाल तैयार किया है। उसके हिसाब से ये लगता है कि आज हमारी जो एक बहुजन क्रांति मोर्चा के थ्रू हम लोगों ने जनता के अदालत में लेके गई, ये सारा जो का मामला है फसाद, 1 जनवरी 2018 का जो फसाद हुआ वो सारा मामला हम लोग जनता के अदालत में लेके गए हैं और 24 तारीख से लेके सदर वामन मेश्राम जी फील्ड में हैं और 3 जून को यहाँ पूना में कुछ बड़ी सी रैली होगी और जहाँ पे हम लोग कुछ अपनी मांगे रखेंगे। तो उसको काउंटर करने के लिए ये जो फसाद करने वाले लोग हैं उन्हीं के ये साथीदार है। हमारा कहना यह है कि जो काउंटर करना हमारा जो एफर्ट है उसको काउंटर करने के लिए अभी एक फसाद करने वाले के साथीदार करके ये प्रदीप रावर और उनके जो समिति के लोग हैं वो आए हैं। वो समिति ना तो कायदे के अनुसार बनाई हुई है, उसमें कोई वैधता नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो अटैम्प्ट हो रही है वो हमारी लोकतंत्र पर अटैम्प्ट है। धन्यवाद।